अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं क्लीनिंग से। जैसे कि आप सभी को पता है कि शबरात आने वाली है, तो इस वजह से मैं थोड़ा घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। और शबरात आने से कुछ दिन पहले ही मैं घर की क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ, ताकि धीरे धीरे मैं सफाई करती रहूं और शबे रात तक घर क्लीन हो जाए। तो अभी जैसे 4 से 5 दिन हैं शबे रात में, तो मैं लग गई हूँ रूम की क्लीनिंग में। सारे बर्तन मैंने उतार के नीचे रख लिए हैं, अब मैं इन्हें जल्दी से वॉश कर लूँगी। और मैं हमेशा से ही शबे रात से पहले घर की क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, ताकि रमज़ान से पहले घर पूरा एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए और रमज़ानों में भी घर साफ़ सुथरा एकदम रहे, क्योंकि रमज़ानों में इतना वक्त नहीं मिलता है कि कोई एक्स्ट्रा काम किए जाएं। रमज़ानों में वैसे भी और भी काम काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं, इसलिए हमेशा सब कदर पे ही सफाई कर लेनी चाहिए। डीप क्लीनिंग घर की, जो कि जिससे कि घर हमारा रमज़ानों में नीट एंड क्लीन रहे। तो मैं सारे बर्तन उठाकर किचन में ले जाऊंगी और इन्हें अच्छे से जल्दी जल्दी से वॉश कर लूंगी। और कल था मेरे बेटे का एग्ज़ाम, तो उसकी भी मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ साथ ही साथ। साथ ही साथ मैं अपने बेटे को भी रिवीजन करा रही हूँ और ये भी काम मैं कर रही हूँ। तो मैं सारे बर्तन अच्छे से वॉश करके एक साइड पर रख लूँगी। और बर्तनों पर हल्की हल्की सी डस्ट आ चुकी थी, जो कि कपड़े से अगर उसको साफ़ किया जाए तो इतने क्लीन नहीं होते हैं, बट अगर इनको अच्छे से वॉश कर लिया जाए, जैसे कि ये कांच के बर्तन हैं, तो बहुत ही अच्छी इनमें शाइन आ जाती है। और बर्तन भी काफ़ी सारे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगेगा। और इसके बाद में मुझे काफ़ी सारे काम भी और करने थे, जैसे कि मुझे कपड़े धोने थे। अभी कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठा हो गए थे, तो मुझे मशीन भी लगानी है, तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो अभी पहले मैं ये काम फिनिश कर लेती हूँ और ये बर्तन अच्छे से वॉश करके फिर मैं एक साइड पर रख दूँगी, ताकि ये इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। मैं इनको वॉश करने के बाद ही मैं मशीन लगा लूँगी। और दोपहर का 1 बज रहा था और हमने लंच वगैरह भी कर लिया था, क्योंकि आज संडे था तो मेरा बेटा भी घर पर ही था, तो लंच हम कर चुके हैं। मैंने व्लॉग आज थोड़ा देर से स्टार्ट किया है।
तो ये देखें सभी बर्तन हमारे वॉश हो चुके हैं अच्छे से। अब मैंने एक साइड पर रख दूंगी ताकि इनमें से एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। अब मैंने लगा ली है मशीन और आज कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठा हो गए थे तो मैंने मशीन ही लगा ली थी फिर, ताकि जल्दी जल्दी से वॉश करके कपड़े में और भी बाकी के सारे काम कर लूं। हाथ से अगर कपड़े धोते हैं तो उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है जो कि आज नहीं था मेरे पास, तो मैंने फिर मशीन ही लगा ली थी। बेडशीट वगैरह भी रखी हुई थी तो मैंने फिर सोचा कि मशीन ही लगा ली जाए आज। और मैं कपड़े वॉश कर रही थी और मेरा बेटा यहीं पर मेरे पास में खेल रहे थे। मेरा बेटा और उसके फ्रेंड दोनों यहाँ पर खेल रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े वॉश करके ड्रायर में डालती जा रही हूँ। ये मेरा बेटा, आज संडे था तो ऑफ कोर्स बच्चों को एक दिन ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा उनको भी फ्री टाइम मिले, तो वो अपना एंजॉय कर रहा था संडे। बट कल का एग्ज़ाम था तो इसलिए उसको प्रिपरेशन भी मुझे करानी थी शाम में, फिर से मुझे इसको लेकर बैठना था कुछ टाइम के लिए पढ़ाने के लिए। और मैंने ये कपड़े ड्रायर कर लिए हैं तो मैं इन्हें मशीन से ड्रायर से सॉरी बाहर निकाल लेती हूँ। अभी दोबारा से जो मैंने वॉश करने के लिए कपड़े मशीन में डाले थे उनको भी ड्रायर करने के बाद ही मैं सारे कपड़ों को एक साथ सूखने के लिए डालूंगी। तो वो सेकंड वाले भी कपड़े वॉश हो चुके हैं, सेकंड टाइम जो मैंने कपड़े डाले थे तो मैं उन्हें मशीन से बाहर निकाल रही हूँ। और ये कपड़े भी मेरे ड्रायर हो चुके हैं तो मैं इन्हें भी निकाल लूँगी। तो ये मैं कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ और मैंने सभी कपड़े नहीं धोए थे, कुछ बेडशीट्स थी जो मैंने कल के लिए रख दी थी क्योंकि कपड़े सुखाने के लिए, तो आज बस मैंने कपड़े और यूनिफॉर्म वगैरह ये सब वॉश कर लिए हैं। बाकी मैंने जो बेडशीट्स पिलो कवर वगैरह थे उनको मैंने ऐसे ही रख दिया है, उनको मुझे कल वॉश करना है ताकि जब ये कपड़े सूख जाएंगे तो यहाँ पर
मैं कपड़े और बाकी के डाल सकती हूँ। तो ये देखें, मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। ये काम हो चुका है मेरा डन। अब मैं आ गई हूँ रूम में। जो मैंने यहाँ से बर्तन उतारे थे तो मुझे यहाँ से क्लीनिंग करना था, और यहाँ पे काफ़ी डस्ट भी जमा हो गई थी। ऐसे नहीं है कि कोई फेस्टिवल हो तभी क्लीन करना है। मैं वैसे भी सफाई करती रहती हूँ, बट डस्ट आ ही जाता है यार, पता नहीं कहाँ से इतना डस्ट आ जाता है। और बराबर में हमारे एक घर भी बन रहा है पड़ोस में, तो वहाँ से भी काफ़ी डस्ट आ रहा है अभी। तो ये मैंने बर्तन जो वॉश किए करके रखे हैं काफ़ी टाइम से, तो ये अब सूख चुके हैं। तो मैंने ये स्लैब वगैरह भी क्लीन कर लिया है अच्छे से। मैं ये बर्तन फिर से वहीं पर वापस रख दूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी इनको। आजकल मोस्टली इस तरह से घरों में बर्तन वगैरह लगाते नहीं हैं क्योंकि स्पेस नहीं ऐसा होता है कोई, और रूम एकदम प्लेन होते हैं। बट मेरे रूम में ऐसे ही था, तो इसको खाली छोड़ते हैं तभी ये थोड़ा अजीब लगता है, तो फिर मैं यहाँ पर थोड़े से बर्तन लगा ही देती हूँ तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। अब ये मेरे बेटे ने टॉयज भर के रखे थे। ये इरेजर है बर्गर शेप की, और मेरे बेटे ने टिश्यूज़ में लपेट के ऐसे रखा है जैसे ये रियल वाला बर्गर हो। तो मैंने इन्हें टिश्यू से बाहर निकाल के रखे हैं, और इतने सारे टिश्यू पेपर उसके टॉयज़ में निकलते हैं हमेशा, पता नहीं क्या अपने टॉयज़ को रैप करके रखता है वो मेरा बेटा। तो टिश्यूज़ उसके टॉयज़ में हमेशा से रखे रहते हैं। और ये क्यूट सी क्लॉक मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट की थी मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे, अब से 9 साल पहले। मैंने इसको ऐसे ही संभाल के रखा है, बहुत प्यारी है। और मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट की है इसलिए और भी ज़्यादा प्यारी है। तो ये देखें, वो शोपीस का सेक्शन हो गया है कंप्लीट क्लीनिंग के लिए। अभी मैं कर रही हूँ बेड को क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर भी डस्ट आ जाती है क्योंकि इसकी जो पॉलिश है वो ब्लैक है, तो ब्लैक पे डस्ट ज़्यादा नज़र आती है। और ये मैंने कॉम्ब स्टैंड और ये पॉट्स वगैरह कप ये सभी मैं वॉश करने के लिए लेकर जा रही हूँ, और उन्हें सर्फ में या लिक्विड सोप में कुछ देर के लिए उन्हें भिगो के मैं रख के आ जाऊँगी, ताकि उनमें जितनी भी डस्ट जम गई है वो सब निकल जाए। और अब मैं बाकी की क्लीनिंग कर लेती हूँ। देखने में रूम मेरा काफ़ी छोटा है, बट अगर ढंग से क्लीनिंग करने लग जाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ज़्यादा चीज़ें मेरे रूम में बिखरी हुई नज़र नहीं आएंगी क्योंकि मैं समेटती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है तब भी, और साथ के साथ सभी चीज़ों को समेटते रहो तो जब क्लीनिंग करते हैं तो इतना कुछ समेटना नहीं पड़ता है आपको। इसलिए कोशिश करो जो चीज़ जहाँ से लो उसको वापस वहीं पे रखो, और ये हैबिट ज़रूर होनी चाहिए हर किसी के अंदर अकॉर्डिंग टू मी। और ये मैंने न्यू बेडशीट बिछाई है, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लग रही है ये बेडशीट, इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है।
और ये मैं ब्लैंकेट को एक बार फिर से फोल्ड कर दूंगी अच्छे से। और डस्टिंग वगैरह मैंने सारी कर दी है और मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। उसके बाद में मैं लगा रही हूँ पोंछा मॉप। और ये मैंने कॉम स्टैंड ये सभी मैंने वॉश कर लिए हैं अच्छे से, तो मैंने इनकी जगह पर रख दूंगी। और ये मैंने वॉश करके फ्लावर्स सारे ड्राई कर लिए हैं। और ये मैं वापस से इनको इन्हीं की जगह पर रख दूंगी। ये देखें ये वॉश होने के बाद में कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना बिल्कुल रियल। तो इन्हें इनकी जगह पर हम ये देखें रूम हमारा नीट एंड क्लीन हो गया है एकदम। और ये देखें बर्तन भी एकदम शाइन कर रहे हैं। और ये सेक्शन भी मैंने ड्रेसिंग का क्लीन किया है। और ये मेरी मशीन है सिलाई मशीन। तो मुझे तो बेडशीट बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में बेडशीट कैसी लग रही है। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे से क्लीनिंग कर लूँगी। कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं किचन क्लीन कर लूँ। अभी क्लीनिंग के लिए एक रूम बाथरूम और किचन अभी बाकी रहता है, और जिसमें मुझे अभी कपड़े भी वॉश करने हैं कल के लिए। अभी बाकी सारे बच गए हैं कपड़े। तो मैं धीरे धीरे क्लीनिंग इसीलिए धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि एकदम से, बाकी और सारे भी घर के सभी काम रहते हैं तो इसलिए एकदम से ज़्यादा बर्डन ना पड़े, सभी काम टाइम से हो जाएं। और ये देखें मेरी एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे ये पायल गिफ्ट की हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये देखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इनका डिज़ाइन था। और अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो थैंक यू बाजी, जज़ाकल्ला। तो मैं ये पेस्ट लेकर आई थी तो पेस्ट ख़त्म हो चुका था घर के लिए, तो मैं पेस्ट निकाल रही हूँ। और ये सोप, और ये मैंने अभी सब्ज़ी ली थी। जब मैं कपड़े धो रही थी तो सब्जी मैंने तभी ली है। और ये मैंने टमाटर को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है।
उसके बाद में मैंने ये लिए थे चुकंदर, बीटरूट और मैंने आलू लिए थे और मटर भी लिए थे। ये देखें बास्केट हमारी तैयार है, तो मैं जल्दी जल्दी से मटर को छील लूँगी। और साथ ही साथ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो मुझे बनाना था खाना, तो मैंने सोचा आलू मटर की सब्ज़ी ही बना लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, इसमें जीरा और हींग डालने के बाद में मैंने पेस्ट डाल दिया है, प्याज और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद में मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। उसके बाद में मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया है, अभी मैं इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी। और साथ ही साथ मैं सारा मटर भी छील कर रख लूँगी। मैं साथ में ही सारा मटर छील कर रख लेती हूँ ताकि मुझे जब कोई भी चीज़ जल्दी से बनानी हो तो उसमें मुझे ऐड करना होता है, तो मैं तभी निकाल के उसमें ऐड कर दूँ। मैंने सारा मटर छील लिया है और मैंने एक बीटरूट भी छील लिया है और इसको मैं कट कर लूँगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी। और इसके बाद में मैंने आलू ले लिए हैं, इनको भी छीलने के बाद में मैं दोनों को अच्छे से वॉश कर लूँगी। और ये मैं टॉप काउंटर को कर लिया है मैंने क्लीन, और ये मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 बार ये वॉश कर ली है सब्ज़ी को, आलू और मटर को। उसके बाद में मैंने उसमें आलू कट करके डाल दिए हैं और तो मटर भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद में मैंने डाल दिया है उसमें वाटर और नमक चेक करने के बाद में मैंने थोड़ा सा उसमें नमक भी ऐड किया था। अब मैंने आटा गूंद कर रख लिया है और मैं अब जा रही हूँ नहाने, तो मैंने नहा लिया है। उसके बाद में अब मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं तो मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई थी और रोटियां मैं यहाँ पर रेडी कर लेती हूँ। रोटियां भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद में मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।